अररिया से बता दें जहां बकरा नदी पर बना पुल टूट गया है। सिकटी के पड़रिया घाट का पुल ध्वस्त हो गया। करोड़ों की लागत से ये पुल बनाया गया था। सिकटी और कुर्सा कांटा प्रखंड के बीच ये पुल बना था, लेकिन ये पुल टूट गया है और ऐसे में दोनों प्रखंड का संपर्क टूट गया है। तो अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां बकरा नदी पर बना पुल टूटा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से पुल धराशायी होकर नदी में गिर गया है और ऐसे में जो लोग इससे जाते थे, चलते थे, यहाँ से एक दूसरे प्रखंड से जुड़ता था ये पुल, वो दोनों प्रखंड का संपर्क जो है वो टूट गया है। कुर्सा कांटा प्रखंड के बीच ये पुल बना था। बताया जा रहा है कि सिकटी और कुर्सा कांटा प्रखंड को ये पुल जोड़ता था, लोग यहाँ आसानी से आना जाना करते थे, लेकिन ये पुल जो है वो टूट गया है। अररिया संवाददाता सतीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं पूरा पुल जो है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो चुका है। क्या पूरा पुल ही गिर चुका है या कुछ हिस्सा गिरा है इसका? जी, पुल का बीच का हिस्सा पहले गिरा और साइड से जो है वो लगातार गिर ही रहा है ये पुल। हम बता दें कि ग्रामीण कार्य विकास विभाग द्वारा यह जो है 2011 से यह पुल बन रहा था, जो नेपाल से जो सटे इलाके हैं कुर्सा कांटा, सिकटी, पड़रिया, कचना, सालगुरी, इन इलाकों को वो जोड़ता था। और यह आज जो है जिस तरीके से तस्वीर आई है तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ग्रामीण कार्य विकास विभाग द्वारा जो ब्रिज बनाया जा रहा है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हल्की सी बारिश हुई और नदी में पानी बढ़ जाता है और धाराशाही जो यह ब्रिज है जो कुर्सा कांटा और सिकटी प्रखंड को जोड़ता है, हालांकि अप्रोच पथ बना हुआ नहीं है, इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, अभी इसका चालू नहीं हुआ है, लेकिन जो अप्रोच पथ नहीं होने के बावजूद लोग आना जाना करते थे, तो दो प्रखंड जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से विभाग द्वारा काफी लापरवाही बरती गई और जिसका नतीजा जो है तस्वीर सामने है। जी सतीश, क्या लोग बता पा रहे हैं पुल के गिरने के पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है, क्योंकि लोग इसी पुल से आवागमन करते थे? ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो पुल की गुणवत्ता, हर बार जो यह तस्वीर आती है बिहार के अलग अलग जिलों से, तो साफ तौर पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं पुल की गुणवत्ता के, आखिर किस तरीके से संवेदक द्वारा यह पुल बनाया जा रहा है और इतने लंबे समय से 2011 से ये लगातार पुल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और इस तरीके से गिर जाना, तो ग्रामीण कार्य विकास विभाग पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर किस तरीके से ये पुल बन रहा था। जी, किसी के हताहत होने की भी खबर है क्या इसमें? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जो है यहाँ पर जो पुल जिस तरीके से गिरा है तो लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बकरा नदी पर बना यह पुल गिरा है। अभी फिलहाल कोई हताहत होने जैसी खबर नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सतीश।